हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। SPM ऑनलाइन क्लासेस भद्रा जालौर में आपका स्वागत है। 11th क्लास का जो पोर्शन चल रहा है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। इलेवेंथ साइंस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 चल रहा था, सॉरी 5 चल रहा था। पांचवा चैप्टर और उसका ये होगा पार्ट नंबर 16। या इसको पार्ट नंबर ना दिया जाए तो हमारा चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हो गया है, उसके हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 16 जो है वो हमारा क्वेश्चन आंसर का भी रहेगा। क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर हमें आज करने हैं। तो पहले तो हम वो क्वेश्चन देखते हैं जो पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं चैप्टर पूरा होने के बाद में, फिर हम चर्चा करते हैं कि कुछ और प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकते हैं क्या। चलिए डियर स्टूडेंट, हम पहले उन पर चर्चा करते हैं कि पाठ्यपुस्तक में कौन से क्वेश्चंस कहाँ दिए गए हैं, कैसे कैसे हैं, उनको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न अभ्यास प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, मूल के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित में किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है? मूल के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? तो रूपांतरण की परिभाषा कैसी दोगे? यदि कोई जड़ किसी विशेष कार्य को करने के लिए अपने आकार और स्वरूप में बदलाव करती है तो उसे रूपांतरित मूल कहते हैं। और बहुत सारी प्रकार की जड़ें हैं जो मूल हैं वो ऐसा करती हैं, विभिन्न विशेष कार्यों को करने के लिए अपने भौतिक शरीर में बदलाव कर लेती है। तो मूलों में रूपांतरण स्वाभाविक हो सकता है, वो खाद्य पदार्थों के लिए हो सकता है, वो यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने के लिए भी हो सकता है, या और कई प्रकार हो सकते हैं। तो निम्नलिखित का हमें किस प्रकार रूपांतरण होता है वो बताना है। पहला है बरगद। तो बरगद के अंदर जो जड़ें पाई जाती हैं उन जड़ों को अवस्तंभ जड़ कहते हैं। कौन सी जड़ें होती हैं? अवस्तंभ जड़ें या स्कंद मूल कहती हैं कहते हैं। तो बरगद, सलजम और मैंग्रोव में जो जड़ें पाई जाती हैं उसको आप ध्यान से सुनेंगे। बरगद में जो जड़ें होती हैं उन्हें अवस्तंभ मूल या स्कंद मूल कहते हैं, जो तने की शाखाओं से निकलकर ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, है ना। उसमें पेड़ के तने से ऊपर से आपने देखा होगा बरगद के पेड़ पर है वो जो जड़ें होती हैं वो ऊपर से नीचे भी लटकी रहती हैं। जमीन के अंदर होती हैं वो अलग, उसकी मुख्य जड़ें हैं, लेकिन तने से भी जड़ें निकलती हैं बरगद में, नीचे लटकी रहती हैं, बैलेंस भी बना रहता है प्लांट का। तो वो होती हैं अवस्तंभ मूल या स्कंद मूल कहते हैं। तो बरगद में कैसी मूलें होती हैं? ऊपर से नीचे वाली मूलें। रूपांतरित मूलों की बात करेंगे, बाकी मुख्य मूल तो जमीन के अंदर ही होती है। दूसरी है सलजम। सलजम की जो जड़ होती है वो भोज्य पदार्थों के लिए रूपांतरित होती है। सलजम की जो जड़ है वो कुंभी रूपी हो जाती है, घड़े के जैसी हो जाती है, जमीन के अंदर होता है सलजम और मोटा हो जाता है, प्याज जैसा मोटा हो जाता है, तो संरचना बनती है कुंभ या घड़े जैसी, इसलिए इसको कुंभी रूपी जड़ कहते हैं सलजम की जड़ को। मोटी क्यों हो जाती है, फूल क्यों जाती है? क्योंकि भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है। तो सलजम की जड़ कैसी होती है? भोज्य पदार्थों के लिए रूपांतरित हो जाती है, कुंभी रूपी जड़ कहलाती है क्योंकि कुंभ जैसी बन जाती है, और जो स्टार्च है उनका संश्लेषण करती है, भोज्य पदार्थों का संश्लेषण। चुकंदर और सलजम यदि आपको याद है तो दोनों ऐसी जड़ें होती हैं। तीसरा है मैंग्रोव जड़ें या मैंग्रोव वृक्ष। तो मैंग्रोव जो वंश हैं वो हमेशा वृक्ष कहाँ उगते हैं? वो क्षारीय मिट्टी में उगते हैं। मैंग्रोव जो वृक्ष हैं वो क्षारीय मिट्टी में उगते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। मैंग्रोव जो प्लांट हैं वो क्षारीय मिट्टी में उगते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करने के लिए जो जड़ें हैं वो जमीन से बाहर निकल आती हैं। ऐसी जड़ों को हम न्यूमेटोड कहते हैं, और ऐसे प्लांटों को हम न्यूमेटोफोर कहते हैं, न्यूमेटोफोर प्लांट कहा जाता है। न्यूमेटोड्स कह सकते हैं ना इसमें पाए जाने वाले रंध्रों को, और ऐसी जड़ों को हम न्यूमेटोफोर कहते हैं।
तो मैंग्रोव वृक्ष में जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, जमीन के अंदर से ही निकली होती है बाहर की ओर, नुकीली होती हैं। उन जड़ों को हम क्या कहेंगे, चलिए देखिए। जैसे कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ की जमीन के अंदर की जो जड़ें हैं वो बाहर निकल आती हैं, इस प्रकार से नुकीली होती हैं वो, तो इन्हें तो न्यूमेटोफोर कहते हैं। और इन जड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें न्यूमेटोड कहते हैं, न्यूमेटोड। और ये जो वृक्ष है ये मैंग्रोव वृक्ष है। तो मिट्टी नीचे कैसी है, क्षारीय मिट्टी होने के कारण ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। और जड़ों को श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए जड़ें कहाँ आती हैं, बाहर निकल आती हैं, तो इन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं, या इन्हें श्वसन मूल भी कह सकते हैं, क्योंकि श्वसन करने के लिए मिट्टी से बाहर निकल कर आती हैं। क्लियर। दूसरा जो सवाल है वो बाह्य लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों की पुष्टि करनी है, बाहर के लक्षण देखने हैं मॉर्फोलॉजी के आधार पर। पहला लक्षण, पौधों के सभी भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते। जमीन के अंदर जो भाग होता है पेड़ का, क्या वो सारे का सारा भाग जड़ ही होता है, मूल होता है? क्या ये कथन सही है या गलत है? ये कथन गलत है। वैसे देखा जाए तो जमीन के अंदर का भाग जड़ ही होता है, लेकिन हर जगह ये नियम लागू नहीं होता, सही नहीं होता। आलू कहाँ लगते हैं, मूंगफली कहाँ लगती है? आलू और मूंगफली दोनों ही जमीन के अंदर लगते हैं, जबकि दोनों ही जड़ें नहीं हैं। आलू तना है, मूंगफली फल है, जमीन के अंदर है ना। तो जमीन के अंदर वाला सारा भाग जड़ नहीं होता, ये गलत बात है। जड़ें होती हैं पर और भी भाग हो सकते हैं। तो पौधे के सभी भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ भाग उसके तना भी जमीन के अंदर हो सकता है, फल भी जमीन के अंदर हो सकते हैं, जैसा कि मैंने मूंगफली के बारे में बताया, आलू के बारे में बताया, लहसुन और जो प्याज हैं उनका तना जमीन के अंदर ही होता है। जड़ भी अंदर होती है पर तना भी होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जमीन के अंदर का सारा भाग जड़ होता है, नहीं। दूसरा पॉइंट इसमें, फूल एक रूपांतरित पर्व है, फ्लोवर है क्या? पुष्प एक्चुअल में क्या है? पुष्प वास्तव में तने का ही रूपांतरण है, मॉडिफाइड सूट इज फ्लोवर। फूल कहाँ बनता है, तने की शाखाओं पर बनता है। शाखाओं पर कहाँ से आया, शाखाओं में या पर्रों में कुछ इस प्रकार के बदलाव और रूपांतरण होते हैं कि वहाँ पर पत्तियाँ न बनने के बजाय फूल बन जाते हैं। तो फूल की क्या परिभाषा होगी कि पुष्प या फूल एक रूपांतरित पर्रो है होता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में बताई गई है। तीसरा जो सवाल है, एक पिच्छाकार संयुक्त पत्ति और एक हस्ताकार संयुक्त पत्ति से किस प्रकार भिन्न है? इसको देखिए, पिच्छाकार पत्ती में ये रेकिस होता है और इसके इधर छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, जैसे कि बबुल में होती है, जैसे कि डिलोनिक्स रेजिया में होती है, गुलमोहर में होती है, चने में होती है, तो बीच में पत्रक है, पत्रक तो ये हैं, पिच्छक है, पिच्छक है, इसे पिच्छक कहेंगे आप। तो ये तो हो गई पिच्छाकार परण, और हस्ताकार परण में क्या होगा, इस प्रकार से होगा, वो हाथ की हथेली जैसी संरचना। तो ये पूरी एक पत्ती है और ये भी पूरी एक लीफ है, तो पिच्छाकार में और हस्ताकार में ये अंतर है। समझ गए बच्चों, चित्र से आप समझेंगे। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी आपको समझाया था, तो आप वीडियो है वो दोबारा देख लीजिए, पर्ण वाला, लीफ वाला, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होती है पिच्छाकार पर्ण ऐसी, और ये होती है हस्ताकार पर्ण, हाथ की हथेली जैसी दिखे उसे हस्ताकार। चौथा सवाल, विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन, फिलोटेक्सी, ये इसका भी एक पूरा वीडियो बना था, पर्ण विन्यास, तने पर पर्ण के लगने की स्थिति, यही था, तने पर पर्ण के लगने की स्थिति ही पर्ण विन्यास कहलाती है, फिलोटेक्सी कहलाती है, आपके जहन में है। तो चार प्रकार का होता है, एकांतर, दूसरा होता है सम्मुख, तीसरा सर्पिल, और चौथा शायद चक्राकार।
ये चार प्रकार का बताया था मैंने प्रण विन्यास, सबके एग्जाम्पल भी बताए हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप उस वीडियो को आपने देखा था दोबारा देख लीजिए और वहाँ से पुटअप कर लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न का यदि चित्र बनाकर समझाऊंगा तो यही प्रश्न कंप्लीट होगा, आगे वाले नहीं होंगे। वैसे मैंने आपको कल ये समझा रखा है, इसका वीडियो है एकांतर, एक पर्वसंधि पर एक ही पत्ती लगी रहती है, सम्मुख में एक दूसरे के आमने सामने, सर्पिल में इस प्रकार से आकृति बनती है पत्तियों की, और चक्राकार में एक ही जगह बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं जैसे कि कनेर में आदि। तो ये चौथा सवाल प्रणविन्यास का हो गया, उदाहरण भी मैंने आपको बताए थे। पांचवा सवाल, निम्नलिखित की परिभाषा लिखो। पुष्पदल विन्यास, पुष्पदल विन्यास की परिभाषा, पुष्प जो फ्लोवर होता है उसमें जो उसके दल हैं, दल का मतलब कोरोला जिसे अपन पंखुड़ी कहते हैं, जो कलर में होते हैं लाल पीले ऐसे, सबसे बाहर वाला बाह्य दल जो हमेशा हरा होता है, उसके अंदर का भाग दूसरा होता है दल। तो दल पुष्प में दल एक दूसरे के साथ में कैसे लगे हुए हैं, वो किनारों से स्पर्श करते हैं या अलग अलग हैं, उसे कहते हैं दल विन्यास। पुष्प दल विन्यास का मतलब पुष्प में दल के लगने की स्थिति को हम पुष्प दल विन्यास कहते हैं। क्लियर बच्चों? दूसरा बीजांडासन, बीजांडासन का भी मैंने आपको बताया था कि अंडाशय के अंदर क्या लगे रहते हैं, इसको यदि हम अंडाशय माने तो अंडाशय में छोटे छोटे बीजांड लगे होते हैं, तो ये एक बीजांड है, ये दूसरा बीजांड है, और ये बीजांड व्रंत है। बीजांड व्रंत और पूरा बीजांड यहाँ से जुड़ा हुआ ना, तो अंडाशय का वह भाग जहाँ से बीजांड जुड़ा रहता है या जिस भाग पर बीजांड है वही बीजांड का आसन हो गया, उसे बीजांडासन कहते हैं। यह अंडाशय का वह भाग जहाँ से बीजांड व्रंत जुड़ा है उसे अपन बीजांडासन कहते हैं, बीजांड का आसन। तो अंडाशय का वह भाग जहाँ से बीजांड व्रंत जुड़ा हुआ है या संपूर्ण बीजांड जुड़ा है उसे बीजांडासन कहते हैं। त्रिज्या सम्मित, इसके लिए अपने बार बार एक निशान लगाते हैं अपन, ऐसा जीरो और उसके अंदर प्लस का निशान, कि यदि आप पुष्प को एक से ज़्यादा जगह से भी काटें तब भी उसके बराबर टुकड़े हो जाएं, बराबर भाग हो जाएं, इसे अपन त्रिज्या सम्मित कहते हैं। एक व्यास सम्मित, इसके लिए अपन प्रतिशत के निशान का प्रयोग करते हैं, यानी पुष्प को केवल एक ही ऐसा तल है, एक ही ऐसी जगह है जहाँ से उसके दो बराबर भाग होंगे, इस गुण को एक व्यास सम्मित कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक, और ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। ऊर्ध्ववर्ती, इसको कहते हैं सुपीरियर, ऊर्ध्ववर्ती परिजायंगी पुष्प। अच्छा चलिए पहले इसको क्लियर करते हैं, ऊर्ध्ववर्ती, ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या है? प्लांट के अंदर जो चार भाग होते हैं उसके फ्लोवर के अंदर, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग, यदि जायांग ऊपर है बाकी भाग नीचे हैं इसे ऊर्ध्ववर्ती कहते हैं कंडीशन, यानी ओवरी जो अंडाशय है उसका ऊपर होना और शेष भागों का नीचे होना, इसे ओवरी सुपीरियर कहते हैं, ऊर्ध्ववर्ती। परिजायांगी पुष्प, इसका मतलब परिजायांगी पुष्प का अर्थ होता है कि ओवरी मिड में रहती है, कुछ भाग हैं अंडाशय के ऊपर और कुछ भाग अंडाशय के नीचे होते हैं, अंडाशय के कुछ भाग नीचे और कुछ भाग अंडाशय के ऊपर होते हैं, इसे परिजायांगी पुष्प कहते हैं, इसको पेरिगाइनस कंडीशन कहा जाता है। जी है दल लग्न पुंकेसर, यदि पुंकेसर दल के साथ में जुड़े हुए हैं, यदि पुंकेसर दल के साथ में जुड़े हुए हैं तो इसे दल लग्न पुंकेसर कहते हैं, जैसे धतूरा, धतूरा में ऐसा ही होता है, दल लग्न पुंकेसर। छठा सवाल, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। इसमें डिफरेंस लिखना है, उसमें पहला है असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी पुष्पकर्म। असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्पकर्म में क्या अंतर है? देखिए असीमाक्षी पुष्पकर्म का अर्थ है कि किसी शाखा पर पुष्प लगने के बाद में वृद्धि होती रहती है। पुष्प लग गया किसी डाली पर, किसी शाखा पर, पुष्प आने के पश्चात भी
उसकी वृद्धि होती रहती है, उसे पुष्प कर्म को असीमाक्षी पुष्प कर्म कहते हैं। और ससीमाक्षी जिसकी सीमा निश्चित हो गई, फ्लोवर आने के बाद में, पुष्प आने के बाद में यदि शाखा की वृद्धि नहीं होती है तो इसे ससीमाक्षी पुष्प कर्म कहते हैं, और वृद्धि होती रहती है इसे असीमाक्षी पुष्प कर्म कहते हैं। बै झकड़ा मूल तथा अपस्तानिक मूल में अंतर। झकड़ा मूल किसको कहते हैं? सभी एक बीजपत्री पादपों में झकड़ा मूल होती है। सभी एक बीजपत्री पादपों में क्या होती है? झकड़ा मूल होती है। लेकिन अपस्तानिक मूल क्या होती है? विशेष कार्य को करने के लिए जो मूल निकलती हैं उन्हें अपन अपस्तानिक मूल्य कहते हैं। झकड़ा मूल प्रारंभ में निकलती है लेकिन बाद में नष्ट हो जाती है, और बाद में जो मूल निकलती है ऐसे ही प्लांटों से उसे अपन अपस्थानिक मूल कहते हैं। जो अपस्थानिक मूल कहाँ से निकलेगी? वो जो उसका भाग होता मूलांकुर से नहीं निकलती है वो मूल। फिर झकड़ा मूल तो मूलांकुर से बनती है, लेकिन ये जो मूल है अपस्थानिक ये मूलांकुर से नहीं बनती, पादप को सहारा देने के लिए किसी भी भाग से निकल आती है, उसे अपन क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल कहते हैं। स वियुक्तांडपी और युक्तांडपी अंडाशय में। वियुक्तांडपी और युक्तांडपी अंडाशय का मतलब है यदि किसी अंडाशय में, देखिए एक अंडाशय में दो अंडप हैं, तीन अंडप हैं या चार अंडप हैं, तो यदि चारों अंडप अलग अलग हैं तब तो इसे कहेंगे वियुक्तांडपी, और सारे आपस में जुड़े हुए हैं इसे कहेंगे युक्तांडपी। युक्तांडपी का मतलब सारे अंडप आपस में जुड़े हुए, वियुक्तांडपी का मतलब सारे अंडप आपस में अलग अलग। तो समझ गए बच्चों वियुक्तांडपी और युक्तांडपी अंडाशय में अंतर क्या है? इसमें सारे अंडप अलग अलग रहते हैं और युक्तांडपी में सारे अंडप आपस में जुड़े होते हैं। निम्नलिखित के चिन्हित चित्र बनाइए। इनके चित्र बनाने हैं और उसके नाम भी लिखने हैं। किसके? चने के बीज के और मक्के के बीज का अनुदैर्ध्य काट। और मक्के के बीज के अनुदैर्ध्य काट का डायग्राम मैंने आपको बताया था, उसमें एक एल्यूरोन परत होती है, उसमें स्कूटेलम होता है, मूलांकुर होता है, प्रांकुर होता है, भ्रूणपोष होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल से मैंने आपको बताई थी। यदि आपके जहन में है तो याद है कुछ, तो दोनों का डायग्राम मैंने बताया था और बनाया हुआ है, तो पिछले वीडियो में आप देखिए उन दोनों को। आठवां सवाल, उचित उदाहरण सहित तने के रूपांतरणों का वर्णन, कि तना किस प्रकार से अपने शरीर को बदल सकता है, उसके रूपांतरण कौन कौन से हैं। तो मैंने ये भी आपको डिटेल से बताया था, पिछले वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे प्रकार के जो पादपों का जो तना है वो खाद्य पदार्थों का संग्रह करने के लिए अपने आकार को बदल देता है, जैसे कि आलू, आलू का तना, जैसे कि अदरक और हल्दी जो ज़मीन के अंदर होते हैं, या इसके अलावा केसर, अरबी, लहसुन और प्याज, ठीक है बच्चों, या कुछ का तना है जो कांटों में भी बदल जाता है, जैसे कि नागफनी में बदलता है भोजन के लिए, या बबुल में जो कांटे हैं वो तने का ही रूपांतरण है, या दूब घास द्रोव जिसको कहते हैं, ये सारे तने के रूपांतरण है। तो क्या क्या नाम लिखेंगे उसमें? प्याज है, लहसुन है, आलू है, इसके अलावा केसर है, अरबी है, अदरक है, हल्दी है, ये सारे तने ही हैं, इनका हम तना ही खाते हैं, तो भोजन का संग्रहण करते हैं इसलिए तने रूपांतरित हो जाते हैं। नौवा प्रश्न, फाबेसी नहीं यहाँ पर फेबेसी है, और इसका दूसरा नाम मैंने बताया था लेग्यूमिनोसी तथा सोलेनेसी कुल के एक एक पुष्प को उदाहरण के रूप में लो तथा उसका अर्ध तकनीकी विवरण प्रस्तुत करो, अध्ययन के पश्चात उसके पुष्प चित्र भी बनाओ। तो ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं होगी आपको बच्चों, मैंने एक दो क्लास में फेबेसी को कम्प्लीट किया था, एक क्लास में सोलेनेसी को किया था, तो ये तो पिछले ही दो तीन वीडियो में आया था ये बातें। तो लेग्यूमिनेसी और फेबेसी कुल को डिटेल से पूरा का पूरा पढ़ना है। ये तो फलीदार पादपों का कुल है, इसमें तीन उपकुल भी होते हैं। सोलेनेसी को आलू का कुल या सोलेनम कुल कहते हैं, ये भी डिटेल से पढ़ा था, आलू, बैंगन, टमाटर सारे इसी में आते हैं।
तो उसको डिटेल से पढ़ो, बताया हुआ है। पुष्प सूत्र भी बनाया है, पुष्प चित्र भी बनाया है, कौन कौन से पादप आते हैं, कहाँ कहाँ काम आते हैं, वो सारी डिटेल से हमने पढ़ा है। तो ये तो आप अच्छे से कर लोगे, समझाने वाली क्या बात है इसमें, क्योंकि पूरा वीडियो ही बनाया हुआ है इसका। पुष्पी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजांडन्यासों का वर्णन। बीजांडन्यास की जहाँ तक हम वर्णन करें, बीजांडन्यास का मतलब ये होता है कि अंडाशय में बीजांडों के लगने की स्थिति को हम बीजांडन्यास कहते हैं। अंडाशय में बीजांड के लगने की स्थिति या क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं। कई प्रकार का होता है, मैं केवल उनके नाम आपको लिख के दे रहा हूँ। बीजांडन्यास की यदि हम बात करें, एक नंबर होता है मार्जिनल, जिसको हम सीमांत कहते हैं। दूसरा होता है स्तंभीय, एक नंबर है सीमांत, दूसरा स्तंभीय, तीसरा मुक्त स्तंभीय, चौथा होता है ऊपर यहीं साइड में लिख दूं भीतीय, भीतीय बीजांडनाश नंबर चार। पांचवा होता है आधार लग्न, आपकी बुक में ये था ही नहीं इसलिए मैंने इसको डिटेल से नहीं पढ़ाया। परिभीतीय, लेकिन फिर भी आप नाम याद रख लेना। बीजांडन्यास किसे कहते हैं? अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं। और बीजांडन्यास छह प्रकार का होता है, सीमांत, स्तंभीय, मुक्त स्तंभीय, भीतीय, आधार लग्न और परिभीतीय बीजांडन्यास। लेट्स डू इट, याद रखना। तो ये हो गया आपका दसवां सवाल। सवाल नंबर 11, पुष्प क्या है? तो पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित पररोह है, मॉडिफाइड सूट है। पुष्प एक रूपांतरित पररोह है। एक प्रारूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के भागों का वर्णन। एक फूल कैसा होता है एंजियोस्पर्म का, उसके कितने भाग होते हैं, चित्र सहित बताना है। मैंने आपको बना के बताया था एक फ्लोवर। बीजांडन्यास कहाँ होता है, उसमें थैलेमस क्या है, पुष्पासन क्या है, बाह्य दल, फिर पुमंग, फिर जायांग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बता रखी हैं। पुष्प का चित्र बनाना है, नाम सहित बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर है पत्तियों के विभिन्न रूपांतरण पौधों की कैसे सहायता करते हैं। पत्तियों में भी रूपांतरण, पत्तियों भी अपने शरीर को बदल लेती हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए, तो प्लांट के लिए कैसे उपयोगी हैं या कैसे सहायता प्रदान करती हैं। बहुत सारी पत्तियां हैं वो भोज्य पदार्थों के संग्रहण के लिए अपने आकार को बदल लेती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। प्रकाश संश्लेषण का कार्य तो पत्तियां करती ही करती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं वो पत्तियां अपने स्वरूप को बदल कर करती हैं। तो इसके लिए आप, जब मैंने वो पत्ती वाला पोर्शन, लीफ वाला पोर्शन जब पढ़ाया था, तो उसका रिविज़न कर लीजिए, उसको दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे कैसे कैसे करना है यही बताना है, बाकी सारी चीज़ें टॉपिक वीडियो तो हमने पहले बना रखे हैं इसके। यदि सारे वीडियो आपने अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें अच्छे से आती होंगी। पुष्प क्रम की परिभाषा करो। तो पुष्प क्रम की परिभाषा क्या लिखनी है? पुष्प किस अवस्था में लगे रहते हैं, तने पर पुष्प के लगने की स्थिति को पुष्प क्रम कहते हैं। दो प्रकार का होता है, ससीमाक्षी और असीमाक्षी। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रम के आधार का वर्णन करना है। तो पुष्प क्रम दो प्रकार का होता है, ससीमाक्षी और असीमाक्षी, जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है। असीमाक्षी पुष्प क्रम में पुष्प आने के बाद में भी वृद्धि होती है, ससीमाक्षी में पुष्प आने के बाद में वृद्धि नहीं होती है। इनफ्लोरेसेंस ये भी पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था। ऐसे फूल का सूत्र लिखो जो त्रिज्या सम्मित हो, जो उभयलिंगी हो, जो अधोजायांगी हो, पांच संयुक्त बाह्य दली हो, पांच मुक्त दली हो, पांच मुक्त पुंकेसर हो, द्विअंडिपी हो और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय हो। तो क्या ऐसे फूल का आप सूत्र लिख सकते हो बच्चों? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। चलिए अपन लिखते हैं और इसकी शर्तों का पालन करते हैं। अच्छा, कैसा हो? त्रिज्या सम्मित। तो त्रिज्या सम्मित को ऐसे बना दो। फिर कैसा हो? उभयलिंगी हो, तो उभयलिंगी के ऐसा कर देंगे आप। फिर कैसा हो? अधोजायांगी, वो तो बाद की बात होगी। पांच संयुक्त बाह्य दली, बाह्य दल पांच हैं लेकिन जोड़े हुए हैं, तो के पांच और संयुक्त हैं, तो ये लीजिए
पांच मुक्त दली, तो सी भी कितने हैं, पांच, और वो मुक्त हैं, आपस में जुड़े नहीं हैं, तो ऐसे ही रखे दो। पांच मुक्त पुंकेसर, ए कितने हैं, पांच, वो भी मुक्त हैं। द्वि अंडपी, तो ये हो गया गाइनोसियम और ये हो गया, दो लगा दिए। युक्ता है आपस में जुड़े हुए, तो ये लीजिए। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय ओवरी सुपीरियर है, तो ये लीजिए बच्चों। ऐसे आप भी कर सकते हो ना, एक ऐसे फूल का सूत्र लिखना है जिसकी शर्तें ये रही, अधोजायांगी है, पांच संयुक्त बाह्य दली है, पांच, ये जो भी कंडीशन है उसके आधार पर हमने लिख दिया, ये पुष्प सूत्र बन गया। लास्ट सवाल क्या है, पुष्पासन पर स्थिति के आधार पर लगे पुष्पीय भागों का वर्णन। स्थिति के आधार पर यदि हम बात करें तो पहला चक्कर किसका होगा, बाह्य दल का, के का, और दूसरा चक्कर अंदर जाएंगे तो सी का, तीसरा चक्कर ए का, और चौथा चक्कर होगा जी का। तो पहले चक्कर को बाह्य दल कहते हैं, बाह्य दलपुंज, दूसरे को दलपुंज, तीसरे को पुमंग और चौथे को जायांग। तो पुष्पासन की स्थिति के आधार पर लगी पुष्पी भागों का वर्णन करना है, बाह्य दल कैसा होता है, दल कैसा होता है, पुमंग कैसे होते हैं, जायांग कैसे होते हैं, इनका डिटेल से वर्णन करना है। तो शुरुआत की वीडियो में जब हमने फ्लोवर का डायग्राम पढ़ा था तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से किया भी था क्लियर। तो पुष्प का चित्र बनाना है और सभी का वर्णन करना है। जैसे जायांग में तीन भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग वृत्तिका है, वृत्तिकाग्र है, और फिर वृत्तिकाग्र ऊपर वाला बीच वाला पतली नलिका है वो वृत्तिका, फिर अंडाशय, तो यही चीज़ें तो है सारी हैं इसके अंदर। तो ये हो गए आपके इस किताब के जो 15 प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप भी इसको दोबारा करना, बहुत शानदार प्रश्न है। तो आपका ये 5वां चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है उसका जिक्र करो दोबारा से, एक बार फिर देख लीजिए। इसमें चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 16, और ये आपका चैप्टर नंबर जो 5 है, आज यहाँ पर क्या हो गया, एंड हो गया। अब हम अगला चैप्टर 6 पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, लगातार बने रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।